मेरा एक अहम टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फर्क है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? वो मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, टू का भी या मोर सब्सटेंस का भी। टू सब्सटेंस का मतलब बाइनरी हो जाएगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ एंड शफाफ, होमोजेनियस, एक जैसा लगे। जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। और अगर इसको आप फिल्टर भी करना चाहोगे तो इसके पार्टिकल फिल्टर भी कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है, बिगर होते हैं जैसा कि ट्रू सॉल्यूशन है, मगर इतने बिग नहीं होते हैं कि आप आंखों से देख। एक तो होता है ना, आप छोटे छोटे पत्थर की कंकरी डालो सस्पेंशन, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो मिक्स करते हैं, और ये भी कह लो कि मोलरिटी स्ट्रेंथ नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगली डेफिनेशन दे रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन हूज मोलरिटी इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा क्या होता है, सुन लीजिए, जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक की मोलरिटी से दूसरे निकालनी है, तो जिस सॉल्यूशन के मॉडरेटी दी भी हो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल में टर्म बनाना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं किसको कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल कंप्लीटली होमोजेनियस। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इज वाटर। आप ये भी कर सकते हैं कि सॉल्ट भी ले लें, सोडियम क्लोराइड भी ग्लूकोज भी ले लें, मिक्स कर लें, पिएगा तो वो भी सॉल्यूशन है भाई, दो सॉल्ट भी हो सकते हैं। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इसके जो पार्टिकल हैं थोड़े से बढ़े, और सस्पेंशन के तो भाई बढ़े। तो ये बुनियादी वर्ग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब एक बात ध्यान में रखें कि इसमें एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो इंग्लिश में कहते हैं लो, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत लेस हो, यानी दूसरे लफ्जों में टाइप एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इन दिनों जितने मेरे दोनों चैनल आ रहे हैं, चाहे वो अमीन एजुकेशन हो सर अमीन अपटेकिंग, और दोनों की वीडियो सारी देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, टू का भी या मोर सब्सटेंस का भी। टू सब्सटेंस का मतलब बाइनरी हो जाएगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ एंड शफाफ, होमोजेनियस, एक जैसा लगे। जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। और अगर इसको आप फिल्टर भी करना चाहोगे तो इसके पार्टिकल फिल्टर भी कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है, बिगर होते हैं जैसा कि ट्रू सॉल्यूशन है, मगर इतने बिग नहीं होते हैं कि आप आंखों से देख। एक तो होता है ना, आप छोटे छोटे पत्थर की कंकरी डालो सस्पेंशन, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो मिक्स करते हैं, और ये भी कह लो कि मोलरिटी स्ट्रेंथ नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगली डेफिनेशन दे रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन हूज मोलरिटी इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा क्या होता है, सुन लीजिए, जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक की मोलरिटी से दूसरे निकालनी है, तो जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी दी भी हो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल में टर्म बनाना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं किसको कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल कंप्लीटली होमोजेनियस। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इज वाटर। आप ये भी कर सकते हैं कि सॉल्ट भी ले लें, सोडियम क्लोराइड भी ग्लूकोज भी ले लें, मिक्स कर लें, पिएगा तो वो भी सॉल्यूशन है भाई, दो सॉल्ट भी हो सकते हैं। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इसके जो पार्टिकल हैं थोड़े से बढ़े, और सस्पेंशन के तो भाई बढ़े। तो ये बुनियादी वर्ग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब
अब एक बात ध्यान में रखिए कि इसमें एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो इंग्लिश में कहते हैं लो, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत लेस हो, यानी दूसरे लफ्ज हो गए टाइम। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बिल्कुल बेसिक चीज है हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों जितने मेरे दोनों चैनल आ रहे हैं, चाहे वो अमीन एजुकेशन हो सर अमीन।